साइनिंग के लिए मेटल सा है, ये भी प्लास्टिक का है, लगता है कि मेटल है, मैंने मुझे लगा था मेटल है बट ये भी प्लास्टिक। लेकिन हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं फिर से बूट्स के नए एयर ड्रॉप्स 161 ANC के बारे में, जो कि मैंने रिसेंटली बिग बिलियन डेज सेल में मंगाए हैं। दो दिन पहले मुझे डिलीवर हुए, मैंने दो तीन दिन से यूज कर रहा हूँ। मुझे लगा इसमें जो इशू है, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके या आप इसे बाई करें या ना करें। इसकी डिजाइन पे बात कर लेते हैं। डिजाइन बहुत ही अच्छा है, प्लास्टिक यूज किया गया है और साइनिंग के लिए मेटल सा है, ये भी प्लास्टिक का है, लगता है कि मेटल है, मैंने मुझे लगा था मेटल है बट ये भी प्लास्टिक, लेकिन देखने में अच्छा लगता है। बात कर लेते हैं एयर टिप्स की। एयर टिप्स को भी बहुत ही अच्छे से लुक वाइज बनाया गया है, मैं आपको सिनेमेटिक शॉट्स डाल दूंगा। ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक ही है, लेकिन इतना खराब भी नहीं। अब हम बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन पे, जो कि डब्बे पर मेंशन किए गए हैं। क्वाइड माइक सेटअप, यानी कि एक एयर टिप्स में दो माइक्स, यानी कि दो दो चार माइक्स कॉलिंग के लिए और रिकॉर्डिंग के लिए चार माइक्स दिए जाएंगे। ड्यूअल इको सिग्नेचर मॉडल, बैलेंस मोड, IWP टेक्नोलॉजी, ब्लूटूथ 5.3 वर्जन, ब्लूटूथ 5.3 दिया गया है, IP65। उन्होंने मेंशन ये भी कर रखा है 10 मिनट चार्ज टू 50 मिनट आप चला सकते हैं, प्लेबैक है। और टोटल ये प्लेबैक का टाइम है वो अराउंड 50 आवर्स है, यानी कि 50 घंटे। इसमें एक्टिव नॉइस कैंसलेशन का भी मेंशन किया गया है। और इसके अंदर की बात कर लेते हैं तो इसमें क्या क्या दे रखा है, तो भाई बेसिक से जो सब में देते हैं, एयर टिप जो रबर्स होती हैं वो दे रखी है और टाइप सी एक छोटी सी केबल दे रखी है, और इतना इनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हम। तो डब्बे को साइड में करते हैं, तो कनेक्टिविटी में तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इशू इसका सबसे ज़्यादा है माइक्स में। माइक में इशू मुझे देखने को ये मिला कि मैं जब ट्रेवल करता हूँ, जैसे कि मैं ट्रेन में हूँ या बस में हूँ या बाइक पे हूँ और ये ब्लूटूथ में लगाए हुए हूँ, अगर किसी का कॉल और आ जाता है तो ये जो कुछ वॉइस दे रहे हैं वो क्लियरली जाती नहीं है। क्लियरली पता नहीं क्या इशू है, लेकिन ये क्लियर आवाज़ नहीं दे सकता। अगर आप ऐसे नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं तो क्लियर आवाज़ जाएगी, लेकिन अगर आप कहीं बाहर गाड़ी पे हैं या बाइक पे हैं, बस में हैं, तो आपकी क्लियरली आवाज़ नहीं जाएगी। ये इशू मुझे देखने को मिला इसी है। नहीं, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन इतना है ठीक, इतना नहीं है कि बिल्कुल नॉइस कैंसिल ही कर दे, थोड़ा थोड़ा नॉइस आता रहता है। कॉलिंग के पर्पज से अगर लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ना ही लें। साउंड क्वालिटी इज़ बेटर, बेस बहुत अच्छा है, बेस साउंड अगर आप सुनना चाहते हैं तो रिकमेंड है कि ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कॉलिंग के पर्पज से ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए, वर्थ इट नहीं है। प्राइसिंग की बात करते हैं, मुझे BBD सेल में ये 1200 रुपये का मिला है और इसका यूजली प्राइस 1500-1600 रहता है, लेकिन ये सेल में आपको ज़्यादातर 1200-1100 रुपये में मिल जाता है, तो कि प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक ही है। लेकिन बस मुझे जो इशू फेस हुआ, मैं ट्रेवल करता हूँ रेगुलरली, जिस वजह से मुझे ये बर्थ इट नहीं लगे मेरे लिए, लेकिन साउंड क्वालिटी में बर्थ इट हैं। एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन इतना अच्छा नहीं है जितना मैंने इससे पहले रियलमी के यूज़ किए, और उसमें एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन अच्छा था और कॉलिंग भी अच्छे से हो जाती थी। और इसमें जो बटन्स का फीचर है उसकी भी बात कर लेते हैं, तो लॉन्ग प्रेस पे मोड्स आएंगे, बैलेंस मोड, सिग्नेचर मोड, ANC मोड, डबल टैप टू नेक्स और पॉज वन टैप, ये बेसिक से फीचर्स हैं और इसमें कोई ज़्यादा कुछ अलग है नहीं, क्योंकि पैसे के अकॉर्डिंग ही जो चीज़ है दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अब सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे ही दी है, कुछ बचा है नहीं, तो आप देख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग ठीक है तो ले लें, अगर कॉलिंग पर्पस से ले रहे हैं तो ना लें। अगर आपको लोग नॉर्मल गाने वाने सुनते हैं तो ठीक है, बेस अच्छा खासा है। बस इतना सा है इस वीडियो में, लाइक करते हैं।